हेलो प्यारे बच्चों, इस साल वो होगा जिसका तुम्हें था इंतजार। इस साल हम एक नया शेड्यूल सेट करेंगे जो आपके अनुसार ही रहेगा, लेकिन हम पहले पिछले जो साल हमारा बीता है इस पर कुछ नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हाउ वाज योर लास्ट ईयर, आपका जो पुराना जो साल था 2020 का वो कैसा रहा, ये आप कमेंट करके बताएंगे। और साथ साथ आप ये बताएंगे व्हाई दैट हैपन, ऐसा क्यों हुआ। ये आप नहीं लिखेंगे कोई भी कमेंट के अंदर कि लॉकडाउन के कारण ऐसा हुआ। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या आप ताजमहल घूमने जाते, वहाँ 200-400 पिक्स आप खींचते, उनमें से 2-4-10 पिक आप जो है सेलेक्ट करते और सेलेक्ट करने के बाद उनको अपलोड करते, बस ऐसे ही टाइम वेस्ट करते ना। तो अब से आगे से आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन एजुकेशन जो है एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप बहुत कुछ बहुत कम समय में इधर उधर बिना भटके बिना घूमे एक जगह बैठकर आसानी से शांति से सीख सकते हैं। तो चलिए बेटा इस सेशन की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल सी आर सिंह यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। पढ़ाई जो है वो कंटिन्यूस चलती रहेगी, क्योंकि वी आर मेंटर्स, हम मेंटर्स हैं। हमारा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं, सबको समय पर सही रास्ता दिखाना होता है, आपको सही और गलत बताना होता है कि क्या सही है क्या गलत है। ये सब हमारा काम है कि आपको सही करना है क्या सही नहीं करना है। इसको सही के और गलत के बारे में जानकारी देते हुए आगे आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आपको आगे आने वाले ईयर्स के अंदर करना है। खासकर हम ध्यान दें बोर्ड क्लासेस के ऊपर, जो 10th और 12th की क्लासेस हैं, इनके बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, मार्च के लास्ट में या फिर वो अप्रैल में होंगे। तो हमारे पास 2 से 2.5 महीने का टाइम है, और 2 से 2.5 महीने के टाइम के अंदर ही हमको पूरी प्रिपरेशन करनी है। ये प्रिपरेशन हमारी किस प्रकार से होगी, ये टाइम का शेड्यूल आप खुद ही सेट करेंगे। ये शेड्यूल आपको किस प्रकार से सेट करना है इसके बारे में हम आपको खुद बताएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टाइम जो है उसको सेट करने के लिए आपके पास 3 से 5 प्योरफुल गोल्स होने चाहिए। ये जो गोल्स हैं इनको आप स्मार्ट गोल्स के नाम से बोल सकते हैं। स्मार्ट गोल्स की अगर हम बात करें तो स्मार्ट में SMART, स्मार्ट में स्पेसिफिक, मीजरेबल, अचीवेबल और रियलिस्टिक और टाइमली। ये हमारे टाइम टू टाइम हमको जितने भी गोल्स बनाने हैं वो अचीव करने हैं। स्पेसिफिक, आपको निश्चित कर लेना है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में, साइंस में, मैथ में, कोई भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आपको टॉप करना है। क्या करना है, टॉप करना है। तो सब्जेक्ट में आप बेटा टॉप करेंगे, साथ साथ आपको ये निश्चित कर लेना है कि कितने समय के अंदर आपको इसको पूरा कवर अप करना है, क्योंकि आपके पास 2 से 2.5 महीने का ही टाइम है। तो इस 2.5 महीने के अंदर ही आपको पूरा कंप्लीट जो सिलेबस है वो कवर अप करना है। किस प्रकार से करना है ये मैं आपको बताऊंगा, और आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं, सिर्फ दिखावा नहीं करना है। रियलिस्टिक आपके प्लान होना चाहिए, जो आपको प्लान बनाना है वो एकदम रियल दिखना चाहिए, और दिखना ही नहीं आपको वो करना है, उसको फॉलो करना है। आपको आज बैठकर खुद 1-2 घंटे बैठकर प्लान बनाना है कि आपको किस प्रकार से आगे आने वाले 2 से 2.5 महीने में करना है। हमारे साथ आप कंटिन्यूअस जुड़े रहिए, साथ साथ हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे। गाइडेंस के साथ साथ जो हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप जो है अपने आप को टॉप पर ला सकते हैं। सबसे पहले आप ब्रेक डाउन योर गोल्स, आपके जो गोल्स हैं उनको आप ब्रेक डाउन करें। ईयरली जो गोल्स आपने बना रखे हैं कि हमको साल में ये करना है वो करना है, कुछ भी आपको करना है वहाँ जाना है, इन सब को छोड़ के आपको पूरा ईयर का प्लान बनाना होता है। इसके लिए आपका जो टाइम था वो अभी निकल चुका है। सिर्फ आप अभी क्वार्टरनली गोल्स जो हैं इसको भी नहीं बना सकते, जो 4-4 महीने के होते हैं।
अगर नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो वहाँ आप क्वार्टरनरी और ईयरली प्लान बना सकते हैं कि आगे जाके आपको नीट का एग्ज़ाम या फिर आईआईटी एग्ज़ाम, जी मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना है। चार महीने के अंदर कम से कम आपको एक क्वार्टरनरी, अगर गोल्स की बात करें, आपको कंप्लीट जो सिलेबस होता है हर एक सब्जेक्ट का वो रिवाइज करना होता है। साथ साथ मंथली गोल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा फिलहाल स्टार्ट होता है, क्योंकि क्वार्टरनली गोल्स और ईयरली जो गोल्स हैं इनको अभी हम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और हमारी पूरी की पूरी लाइफ उनके रिज़ल्ट पर रुकी हुई होती है। तो उनके रिजल्ट्स जो होते हैं वही हमारी पूरी लाइफ को तय करते हैं। तो मंथली गोल्स में हमको ये प्रिपेयर करना है, ये हमको बनाना है कि हर मंथ कम से कम 10 ध्यान देंगे, कम से कम 10 10 मॉडल टेस्ट पेपर अनसॉल्व या सॉल्व आपको रिवाइज करने हैं। 10 मॉडल टेस्ट पेपर आपको रिवाइज करने ही करने हैं, ये आप बिल्कुल फिक्स कर लें। हर एक सब्जेक्ट के 10 आप कर सकते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर आपको रिवाइज करने हैं, ये आप ध्यान करेंगे। साथ साथ वीकली की अगर हम बात करें तो वीक में कम से कम एक प्रीवियस ईयर का मॉडल टेस्ट पेपर आप जरूर रिवाइज करेंगे। इसको प्रीवियस ईयर वाले जो मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं, इससे हमको पता चलता है कि पहले जो क्वेश्चंस आए थे वो किस प्रकार से, क्वेश्चन पेपर जो सेटर होते हैं उन्होंने किस प्रकार से पेपर को सेट किया था। आगे जो है यहाँ पर आपको एक वीक के अंदर प्रीवियस ईयर का जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसको रिवाइज करना है। 10 कम से कम आपको मॉडल टेस्ट पेपर रिवाइज करने होंगे। साथ साथ डेली गोल्स की अगर हम बात करें तो डेली आपको थ्योरी पढ़नी होगी। कुछ भी कार्य आप कर रहे हैं उसको आप बिल्कुल छोड़ दें, काम को छोड़ दें, जो आपका टाइम ब्लॉक हुआ पड़ा है, आपके दिन वीक्स और घंटे जो ब्लॉक्स हैं उनको बिल्कुल छोड़ दें। एक निश्चित आप जो है टाइम बनाएं और उस टाइम को फॉलो करें। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि आपको इम्प्रूव करना है अपनी, कुछ बच्चों की जो मेंटल हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। किस प्रकार से मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, उसको भी आपको इम्प्रूव करना है। कुछ व्यक्तियों को, कुछ बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपने आप पर भरोसा ही नहीं होता कि वो भी टॉप कर सकते हैं, वो भी अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, वो भी टॉप कर सकते हैं और टॉप के अंदर आ सकते हैं। जब से आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे तब से ही आप कंटिन्यूअस आगे बढ़ना, ग्रोथ करना, अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ के अंदर परिवर्तन देखना शुरू कर देंगे। साथ साथ एनालाइज करेंगे आप अपने आप को, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर आपको आप अपने आप को किस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस करने के लिए आपको शांति से एक बार बैठना है और शांति से बैठ के आँखें बंद करके सोचना है कि आपके दिमाग में क्या थाउजेंड्स ऑफ जो थॉट्स हैं, क्या थाउजेंड्स ऑफ विचार हैं, वो आपके हज़ारों विचार तो आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं। अगर आपके दिमाग में हज़ारों विचार आते हैं तो इसका मतलब आपका जो गोल है वो निश्चित नहीं है, आपका जो गोल है वो बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। आपको अपने गोल को निश्चित करना है, उसी पर फोकस करना है, तभी आप आगे जाके बहुत ज़्यादा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो इस इम्प्रूवमेंट को कंटिन्यूस बढ़ाने के लिए आप कामनेस रखें, शांति रखें, धैर्य रखें और कंटिन्यूस अपने ऊपर भरोसा रखें। भरोसा दूसरों के ऊपर नहीं, भरोसा आप जो है अपने ऊपर रखें और अपने आप को कंटिन्यूस आगे बढ़ते हुआ आप महसूस कब करेंगे, जब इन रूल्स को आप फॉलो करेंगे। अपने गोल्स पर आप फोकस करें, जो आपको काम करना है उसी पर पूरा फोकस करें, उसी पर ध्यान लगा दें। जैसे कि आप जानते हैं महाभारत में अर्जुन ने पूरा फोकस उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने के लिए किया था और लास्ट में परिणाम क्या हुआ कि उसने अपने गोल को अचीव किया। आप भी अपना एक गोल जो है उसको बनाएं और उसको अचीव करें। पंचुअलिटी रखें, समय की पाबंदी, जो समय की पाबंदी को आप कंटिन्यूस दूर करें। टाइम जो ब्लॉकेज आपकी हो रही है उसको आप दूर करके, जो दिन, जो वीक्स और जो आवर्स आपके जो हैं ब्लॉक हैं उनको आप हटा करके एक निश्चित आप टाइम बनाएं और जिसके द्वारा आप कंटिन्यूस जो है ग्रोथ करेंगे। एक टाइम टेबल अपना, एक शेड्यूल बनाएं कि आपको जो है इस
समय में इतने जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं वो आपको रिवाइज कर लेने हैं, एक प्रीवियस ईयर आपको वीक में रिवाइज कर लेना है, कंटिन्यूअस बुक की जो थ्योरी है उसको आपको पढ़ते रहना है, जिससे आप जो है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। एक और बेस्ट तरीका है इम्प्रूवमेंट करने का, रिवीजन करने का। जैसे आपने सुना होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कम समय में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर देते हैं, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका, बेस्ट तरीका ये है कि जो टॉपिक्स आपको आते हैं उन टॉपिक्स पर निशान ना लगाकर उन टॉपिक्स पर आप निशान लगाएं जो टॉपिक्स आपको नहीं आ रहे हैं उन पर आप कंटिन्यूस निशान लगाते जाएं, टिक का आप मार्क कर दें या फिर किसी और कलर पेन से आप उसको टिक कर दें, अंडरलाइन कर दें। नेक्स्ट टाइम जब आप उस बुक के उस चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो उसके द्वारा आप उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करें जो आपने मार्क किए हुए हैं, जो आपने अंडरलाइन किए हुए हैं। इसके द्वारा आप उन टॉपिक्स को करते हुए जो आपको नहीं आ रहे हैं कवर करते हुए पूरे चैप्टर का बहुत ही जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं। इससे आपका बहुत जल्दी से पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज होगा और आप कंटिन्यूअस जो है ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे हमारे जो टॉपिक्स हैं इनको रिवाइज जो हमको आते हैं तो उनको अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, उनको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तब भी जब भी आपसे एग्ज़ाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको जो टॉपिक्स आते हैं जो आपने अंडरलाइन नहीं कर रखे हैं तो उसको आप कंटिन्यूअस जो है आगे कर सकते हैं, आसानी से आप उसको कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं आते हैं अगर आप उसका कंटिन्यूअस रिवीजन बनाते रहेंगे, दो बार चार बार आप उसको रिपीट करते रहेंगे तो हमेशा ही आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसके साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। अपना ध्यान रखिए, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आपके लिए खुशियों भरा हो। पहला साल जो आपका बीता है 2020 का, उससे बेटर आपके लिए नया साल हो। थैंक यू सो मच, आप सफलता की बुलंदियों को छुएं और कंटिन्यूअस ग्रोथ करें, अपना, माँ बाप का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। बाय बाय, टेक केयर। लास्ट में आपसे यही कहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, प्रिय दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ शेयर करें हमारी वीडियो को और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कंटिन्यूअस सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।